राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज चलाने वाले जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की बड़ी मुश्किलें। नोएडा पुलिस ने लिया हिरासत में, कई राज्यों में रोहित के खिलाफ दर्ज है FIR। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर लगा विराम, अब विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग ने पकड़ा जोर। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे में असली शिवसेना के लिए जंग। संजय राउत ने फिर साधा बीजेपी और शिंदे पर निशाना, कहा अगर किसी को गुमराह कर फंसा कर ले गए हैं तो हमें अभी भी उम्मीद है कि वे वापस आएंगे। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया अपनी रणनीति में बदलाव, अब पार्टी पीएम मोदी पर नहीं साधेगी निशाना बल्कि गुजरात सरकार की विफलताओं का करेगी खुलासा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू, 19 जुलाई तक रहेगी जारी, 20 जुलाई को होगी नामांकन की जांच, 6 अगस्त को होना है चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव ने बढ़ाया देश का सियासी पारा, यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू ने तेज किया चुनाव प्रचार, सीएम नीतीश से आज मुलाकात करेंगी द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज HP संदेश का बड़ा आरोप, कहा मिल रही है तबादले की धमकियां, एंटी करप्शन ब्यूरो और ADGP को लेकर की थी टिप्पणियां। नुपुर शर्मा का कत्ल करने की धमकी देने वाले खादिम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने जांच की तेज। फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं सपा विधायक आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED ने आजम खान को भेजा समन, 15 जुलाई से पहले पूछताछ के लिए बुलाया। फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले आए सामने, 19 लोगों की गई जान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने साधा इमरान खान पर निशाना, विदेशी साजिश के आरोपों पर मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में थी जो सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज है। सऊदी अरब में इस हफ्ते से शुरू हुई हज यात्रा, बिना परमिट यात्रियों पर सख्त सऊदी अरब, करीब 300 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। शिकागो के स्वतंत्रता दिवस परेड में हुई घातक गोलीबारी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, कहा बंदूक हिंसा की महामारी के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। रूस यूक्रेन की जंग जारी, यूक्रेन के लिसिचांस पर कब्जे के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैनिकों को दी बधाई, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले इस शहर को हम रूसी कब्जे से कराएंगे आजाद। दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तान के कराची में कराई गई लैंडिंग, फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित। बकरा ईद पर रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा, गोरखपुर से हावड़ा के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, 7 जुलाई को हावड़ा से रात 11 बजे होगी रवाना। सोना चांदी हुआ महंगा, सोने पर 0.25% की बढ़ोतरी तो चांदी पर 0.65% की हुई बढ़ोतरी। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंगम में खेला जा रहा है टेस्ट मैच, चौथे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए 259 रन, अब जीत के लिए 119 रनों की जरूरत। फिल्म मेकर लीना मड़ी में कलई के खिलाफ केस दर्ज, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने दर्ज किया मामला, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म में आलिया भट्ट ने सुनाई मेंढक और बिच्छू की दिलचस्प कहानी, 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी फिल्म।